इस वीडियो में हमारा चर्चा का मुद्दा है म्यूचुअल इंडक्शन। तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि म्यूचुअल इंडक्शन जानने से पहले आप सेल्फ इंडक्शन क्या होता है ये जान ले। तो सेल्फ इंडक्शन पढ़ते हुए हमने ये देखा था कि अगर हम एक सोलेनॉइड से करंट पास करवाते हैं, अर्थात इस सोलेनॉइड को अगर हम एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ जोड़ देते हैं और इस सर्किट को हम क्लोज्ड सर्किट बना देते हैं इस की को टैप करके, तो इससे करंट का फ्लो होगा। तो जैसे ही करंट का फ्लो होना शुरू होगा इस सोलेनॉइड के अंदर बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस सोलेनॉइड के साथ एसोसिएटेड एक मैग्नेटिक फ्लक्स भी बनेगा। क्योंकि वो फ्लक्स चेंज कर रहा होता है, वो फ्लक्स बढ़ रहा होता है, तो इसमें क्रिएट होगा एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इस करंट को रेजिस्ट करेगा। इसीलिए ये करंट जीरो से पीक वैल्यू तक इमीडिएटली नहीं पहुंचेगा, इसे पीक वैल्यू तक पहुंचने में बहुत बहुत टाइम लगेगा और ये कभी अपने पीक वैल्यू तक पहुंच नहीं पाएगा। सो ये करंट धीरे धीरे बढ़ेगा और कुछ देर बाद इसका मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ेगा, तो इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। अब हम देखते हैं क्या होगा अगर हम इस सोलेनॉइड, इस करंट कैरिंग सोलेनॉइड के करीब एक और सोलेनॉइड रखते हैं, और इस सोलेनॉइड में क्या होता है इसे जानने के लिए हमने इस सोलेनॉइड को जोड़ दिया एक गैल्वेनोमीटर के साथ। अब देखें हमारे पास दो सोलेनॉइड है तो हम इन्हें नाम दे देते हैं, यह है प्राइमरी कॉयल और यह है सेकेंडरी कॉयल। अब देखिए कुछ फील्ड लाइंस ऐसे होंगे जो कि इस प्राइमरी कॉयल से निकल के सेकेंडरी कॉयल होते हुए वापस प्राइमरी कॉयल में एंटर करेगा, ऐसे और भी फील्ड लाइंस होंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम प्राइमरी कॉयल के थ्रू करंट पास करवाएं तो सेकेंडरी कॉयल का फ्लक्स चेंज होगा। प्राइमरी कॉयल का फ्लक्स तो चेंज होगा ही, साथ ही साथ सेकेंडरी कॉयल के साथ या फिर ये जो दूसरा सोलेनॉइड है इसके साथ एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी चेंज होगा। और जब ऐसा होगा तो इस सेकेंडरी कॉयल में भी एक करंट का फ्लो होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा जिसके कारण वो करंट फ्लो करेगा। और हमें ये देखने को मिलेगा कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका जो निडल है ये डिफ्लेक्ट करेगा। और चूंकि प्राइमरी कॉयल में करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी, इसका जो नंबर है ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, तो इस सेकेंडरी कॉयल के साथ एसोसिएटेड जो फ्लक्स है ये फ्लक्स भी स्लोली इंक्रीज्ड होगा। और ये जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर का ये इमीडिएट डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये डिफ्लेक्शन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। और जब हम इस की को, टैपिंग की को हटा देंगे या फिर कहें इस सर्किट को, प्राइमरी सर्किट को हम ओपन सर्किट बना देंगे, तो क्या होगा कि ये करंट इमीडिएटली ड्रॉप नहीं करेगा, ये करंट धीरे धीरे ड्रॉप करेगा। क्योंकि तब भी ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है करंट को ड्रॉप होने से रेजिस्ट करेगा, इसे जीरो बनने नहीं देगा, क्योंकि तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा। और हमें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स का जब जब चेंज होता है तब तब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है और उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होता है कि वो अपने कॉज को ही रेजिस्ट करता है। तो जैसे ही हमने सर्किट को ओपन सर्किट कर दिया तो करंट घटना चाहता है अब, तो ये करंट इमीडिएटली जीरो नहीं हो सकता क्योंकि इसका घटना ही मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये उसे घटने से रोकेगा। तो अब जो सेकेंडरी कॉयल में डिफ्लेक्शन दिखेगा ये इमीडिएटली जीरो नहीं होगा, ये धीरे धीरे जीरो के करीब पहुंचेगा। तो ये पाया गया है प्रैक्टिकली कि जो सेकेंडरी कॉयल के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ये मैग्नेटिक फ्लक्स ये प्रोपोर्शनल होगा प्राइमरी कॉयल में फ्लो होता हुआ करंट के साथ। तो हमने माना करंट अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम में ये आई है प्राइमरी कॉयल में या फिर कहे इस सोलेनॉइड में, तो हम कहेंगे इस सेकेंडरी कॉयल का फ्लक्स ये प्रोपोर्शनल होगा प्राइमरी कॉयल में फ्लो होता हुआ करंट के। इससे आगे हम कहेंगे कि ये फ्लक्स
ये बराबर होगा, जैसे ही हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के इक्वालिटी साइन लाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना होगा। उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम डिनोट करते हैं एम से। तो ये पूरा इक्वेशन बन गया, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू एम इंटू करंट। यहां इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और इसका एक और नाम है, वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक कॉमन मिस्टेक ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। नहीं, इसका नाम या तो आप कहें कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फिर सिर्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस म्यूचुअल इंडक्शन का जो इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसे डिराइव करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। ये इस सेकेंडरी कॉइल का लोकेशन पर भी डिपेंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है, इसके एरिया, इसके नंबर ऑफ टर्न्स, इसके लेंथ, इन सब पे तो डिपेंड करेगा ही, प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करेगा, साथ ही साथ ये किस जगह पे आप रखते हैं, इसका लोकेशन क्या है, इस पर भी ये डिपेंड करेगा। तो इसे थियोरेटिकली डिराइव नहीं किया जाता है बल्कि इसे प्रैक्टिकली इवैल्यूएट किया जाता है। तो चूंकि ये दो अलग अलग सोलेनॉइड के कारण बना हुआ इंडक्शन है, इसीलिए इसे कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन।